हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्य पत्रिका। ये है 21 तारीख की, कक्षा 2 के बच्चों के लिए, क्रम संख्या 137, रचनात्मक लेखन। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। नीचे बॉक्स में कुछ चित्र और शब्द वाक्यांश दिए गए हैं। इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाइए और अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी दीजिए। आप दिए गए शब्दों वाक्यांशों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हाँ, अपनी कॉपी में अपने पसंद के जानवर या पक्षी का चित्र बनाकर उसका नाम भी लिखिए। ये रहे कुछ शब्द, जंगल, पतंग, डोरी, पेड़, बंदर, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ, कौवा, पतंग, बनाना, पतंग उड़ाना, पतंग की डोरी टूटना, हवा के साथ बहना, चोंच से पकड़ना, ताली बजाना। तो ये रहा चित्र। ये चित्र दिए गए हैं 4। इनके आधार पर आपने कहानी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहानी को नाम दिया है एकता में बल। एकता में बल, इसका मतलब है कि जब आप एकजुट होकर कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। एक घना जंगल था, उसमें सभी जानवर जैसे बंदर, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ और कौवा मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। पहले खरगोश और बंदर की बारी थी। बंदर पेड़ पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था और बाकी जानवर देखकर खुश हो रहे थे। अचानक से पतंग की डोरी टूट गई और वह हवा के साथ बहने लगी। तभी कौवा फटाक से पतंग के पीछे उड़ा और अपनी चोंच से पतंग को पकड़ कर ले आया। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और ताली बजाने लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहानी, या आपकी कहानी पूरी हुई। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने पसंद के जानवर या पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है और उसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर आप ये करेंगे, उसमें सभी जानवर और पक्षी, क्योंकि कव्वे को हम पक्षी के अंदर लेते हैं, तो और पक्षी। ठीक है, पक्षी। तो एक घना जंगल था, उसमें सभी जानवर और पक्षी जैसे बंदर, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ और कौवा मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। अब ये कहानी अच्छे से आपकी पूरी हो गई। इसके बाद आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को समझाएं कि कई बार हमारे सामने ऐसी विकट समस्या आ जाती है जिसका समाधान अकेले करना अत्यंत कठिन होता है, परंतु एक दूसरे की मदद करने से समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। और कोविड से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।